सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है सही फाइनेंशियल प्लानिंग। इसी फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा है रिटायरमेंट प्लानिंग, जिस पर हमने से काफी कम लोगों का ही ध्यान जाता है। आज योर मनी में हम इसी पहलू की चर्चा करेंगे और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको वो सलाह जिससे आपके रिटायरमेंट की सही प्लानिंग हो सके। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे मेहमान रिलायंस कैपिटल AMC के डिप्टी CEO हिमांशु व्यापक और वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सुस्तिकी, आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। तो यहां पर चर्चा शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि रिलायंस कैपिटल AMC ने लॉन्च किया रिलायंस रिटायरमेंट फंड, जिसमें निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलेगी। रिलायंस कैपिटल AMC के डिप्टी CEO हिमांशु व्यापक से जानते हैं कि इस रिटायरमेंट फंड की खूबियां क्या है। हिमांशु, यहां पर रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको सेट कर लेना चाहिए। इस फंड के तहत आपने दो स्कीम्स लॉन्च की हैं, क्या खास फीचर्स हैं? सबसे पहले जैसे आपने बोला, रिटायरमेंट जितनी जल्दी या प्लानिंग जितनी जल्दी रिटायरमेंट उतनी अच्छी। एग्जैक्टली। सो इसमें दो स्कीम्स हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली रिटायरमेंट स्कीम है देश में जिसमें इक्विटी में डालने का ऑप्शन भी है। ये नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 80C, इसका मतलब है कि आपको अंडर 80C एक 1.5 लाख रूपये का बेनिफिट जो आपको ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलता है वो आपको उसमें मिलता है। इसमें दो ऑप्शन हैं, एक है वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन जिसमें आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन है इनकम जनरेशन जिसमें आप प्रीडोमिनेंटली डेट सिक्योरिटीज में पैसा डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम मानते हैं कि थोड़ा इक्विटी जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, तो जो डेट ऑप्शन है उसमें भी थोड़ा सा इक्विटी अप टू 30% इक्विटी डालने का प्रावधान है। ओके। साथ ही मुझे बताइए कि यहां पे इस फंड में आपने कहा कि इक्विटी और डेट इस तरह की दो स्कीम्स हैं, तो किस तरह का निवेशक कैसे अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता है इन दोनों स्कीम्स के तहत? देखिए, हमारा मानना है कि रिटायरमेंट एक बहुत लंबे समय का प्लानिंग है और बहुत लंबे समय का है। आज के समय में जब हम स्टडीज देखते हैं तो देखते हैं कि रफली 4 out of 5 लोग इतना निवेश नहीं कर रहे हैं जो उनकी रिटायरमेंट के लिए काफी है। बिल्कुल। इन्फ्लेशन से देखा जाए तो अगर हम देखें कि अगर आज किसी की मासिक एक्सपेंस या मासिक आय 30,000 रुपये है, मासिक हाउसहोल्ड एक्सपेंस 30,000 रुपये है, तो सिर्फ 7% के इन्फ्लेशन से अगले 30 साल में ये 2 लाख के करीब बन जाता है। तो आज हमारे को इस 30,000 को नहीं, वो 2 लाख को देख के प्लानिंग करनी चाहिए। तो पहली चीज है, अगर आपकी उम्र 25 साल से 45 साल के बीच में है तो डेफिनेटली आप इक्विटी ऑप्शन से या वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन से स्टार्ट करिए। आप इसमें दोनों चीज आप निवेश कर सकते हैं, एक लमसम अमाउंट एक मुश्त डाल सकते हैं पैसा, और रेगुलरली SIP की तरह भी पैसा डाल सकते हैं। ओके। और इसमें स्विच करने की फैसिलिटी है का प्रावधान है, अगर मैं चाहूं इक्विटी या डेट्स में, या डेट या इक्विटी में स्विच हो सकती है? इसकी एक खास बात यही है कि इसमें आप कोई भी स्कीम चूज करें, चाहे वेल्थ क्रिएशन विच इज जो इक्विटी ओरिएंटेड है, या डेट स्कीम चूज करें, आप इक्विटी स्कीम और डेट स्कीम के बीच में कभी भी आप मूव कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस या विदाउट एनी एग्जिट लोड। बट बड़ी बात यह है कि इसमें जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब आते हैं तो इसमें एक ऑटो ट्रांसफर फैसिलिटी है कि आज आप 30 साल के हैं और आप रिटायरमेंट 60 साल पे आपकी रिटायरमेंट एक मानते हैं, तो आप 50 साल पे एक ऑटो ट्रांसफर फैसिलिटी ले सकते हैं कि 30 साल से 50 साल तक आप इक्विटी के द्वारा अपना कॉर्पस एक्यूमुलेट करिए, और जैसे ही आप रिटायरमेंट के करीब आए तो आप एक ऑटो ट्रांसफर फैसिलिटी लीजिए कि 50 साल पे ये पैसा आपका इनकम ओरिएंटेड स्कीम में मूव हो जाएगा, और आप जितना जितना अपना रिटायरमेंट के पास जाएंगे उतना आपका डेट में पैसा रहेगा। चलिए अब यहां पर शामिल करते हैं हेमंत जी को भी इस डिस्कशन में। हेमंत जी, यहां पे तमाम तरह के पेंशन फंड्स अवेलेबल हैं बाजार में और रिटायरमेंट को लेकर लोगों में जागरूकता भी काफी बढ़ चुकी है। यहां पर रिलायंस रिटायरमेंट फंड पर आपका क्या टेक है?
देखिए जैसा आपने कहा कविता, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इवन म्यूचुअल फंड में अगर देखें तो उससे पहले भी दो फंड्स हैं, लेकिन रिलायंस का जो फंड है और जो पहले वाले फंड है उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे मैक्सिमम जो एक्सपोजर इक्विटी में मिलता है आपको 40% मिलता है, यहां पे आप चाहें तो 100% जा सकते हैं। मेरा ये मानना है अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें तो रिटायरमेंट में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म गोल होता है ये, और ये एक ऐसा गोल है जिसके लिए हमें बहुत बड़ा कॉर्पस की जरूरत होती है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसको जनरली स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला ये हमारा एक गोल रहता है, क्योंकि हमको लगता है हमारे जो बाकी गोल्स हैं हम उनको पूरा कर लें। और चौथा, हालांकि हम स्टार्ट देरी से करते हैं लेकिन हमको चिंता ये होती है कि रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे, कैसे इनकम आएगी। आई थिंक इस प्रोडक्ट में अच्छी बात यह है, एक तो ये कि आपको ये 100% तक इक्विटी में इन्वेस्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है, जो मुझे लगता है स्पेशली जो यंग लोग हैं 30-40 ईयर्स के, जो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए शुरू करते हैं उनके पास कम से कम 15-20 साल का समय है, उनका जितना पैसा इक्विटी में जाए उतना ज्यादा अच्छा है। दूसरी अच्छी चीज यहां पे ये है कि जब आप रिटायर के नजदीक पहुंचे, रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे, तो आप जैसा हिमांशु ने बताया कि आप इनकम वाले ऑप्शन में जा सकते हैं, और वहां से जब आप एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सेट करेंगे तो आपको जो इनकम जनरेशन है वो भी मिलेगी। और मुझे इसमें एक अच्छी चीज ये लगी कि इनकम जो ऑप्शन है उसके अंदर भी 5-30% इक्विटी है, क्योंकि होता क्या है रिटायरमेंट के समय हम सारा पैसा जो है एकदम सेफ कंजर्वेटिव ऑप्शन में डाल के बैठ जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हर साल हमारा खर्चा जो है 7-8% से बढ़ेगा, वो खर्चा कहां से आएगा, वो लिक्विडिटी जो आपको चाहिए वो कहां से मिलेगी। ये म्यूचुअल फंड है, ओपन एंडेड फंड है, 5 साल का लॉक इन है, उसके आप चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप उसको कॉर्पस को बनने दें। बिल्कुल। और एक अच्छी चीज यहां पे ये है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है और जो स्पेशलिस्ट फंड मैनेजर वो पैसा मैनेज करेंगे, डेट का जो पोर्शन है इवन जो लोग कंजर्वेटिव हैं उसमें भी इनके पास बहुत सारी ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि आप उसको एक शॉर्ट टर्म तरह से, शॉर्ट टर्म फंड की तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं तो थोड़ा ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक वो जो फ्लेक्सीबिलिटी और जो एक्सपर्टीज है उससे मुझे लगता है चाहे आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो आपको फायदा होगा। तो मुझे लगता है एज ए पैकेज, जैसा मैंने कहा, अगर आप रिटायरमेंट की शुरुआत करते हैं और आगे जो कॉर्पस बनाते हैं और उसके बाद जो इनकम आपको चाहिए वो पूरा का पूरा आपको इस प्रोडक्ट से मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हमेशा इम्पॉर्टेंट हमने कहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो उनको लगता है 2-3-5 साल के बाद थोड़ी बेचैनी हो जाती है, फिर वो निकलना शुरू करते हैं। ये क्योंकि फंड का नाम ही रिटायरमेंट है तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करेगा कि वो उस गोल को बना के रखें। बिल्कुल। तो यहाँ पर हिमांशु लगता है कि थम्स अप दे रहे हैं हेमंत आपके इस फंड को, लेकिन हेमंत यहाँ पर समय कम है, ब्रेक पर जाना है, उससे पहले एक निवेशक के लिए आइडियल रिटायरमेंट प्लान कैसा होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाहती हूँ आप निवेशकों को समझा दें, कंसिडरिंग कि अगर वो इसी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो। देखिए जनरली जैसे हम बात करते हैं हम कहते हैं कि आपका जो भी एसेट एलोकेशन है वो कुछ पैसा इक्विटी जाए कुछ डेट में जाए। मेरा मानना थोड़ा अलग से है, मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अगर आप जब तक आप एक्यूमुलेशन फेज में हैं वो पैसा आपका इक्विटी में जाना चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि जो इक्विटी ऑप्शन है उसमें इन्वेस्टर लें। और एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे, काफी सारे इन्वेस्टर जो हैं वॉलेंटरली ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं या पीपीएफ में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, अच्छी ऑप्शन है कोई बात नहीं है। ईपीएफ जो आपका कंपलसरी होना है वो आप कर दीजिए, जो वॉलेंटरी आपको जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं मुझे लगता है उसका कुछ हिस्सा ऐसे फंड में डालिए, या पीपीएफ में अगर आपका पूरा पैसा जा रहा है स्पेशली जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको लगता है कि हम सारा पैसा कंजर्वेटिव तरीके से डालें, मुझे लगता है वहां से भी उनको कुछ हिस्सा डेफिनेटली ऐसे फंड में डालें। और इंपॉर्टेंट चीज ये हम हमेशा एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, बिल्कुल डिसिप्लिन है, अपॉर्चुनिटी बेहतर है। और रिटायरमेंट का ऐसा गोल है जो अमूमन जैसा कि हेमंत ने भी कहा कि हम सबसे एंड में सोचते हैं और सबसे ज्यादा कॉर्पस हमें रिटायरमेंट के लिए ही इकट्ठा करना होता है। तो चलिए आपके लिए एक और नया विकल्प यहाँ पे आ चुका है रिलायंस रिटायरमेंट फंड का, और योर मनी की तरफ से इसको थम्स अप दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आज योर मनी की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, हेमंत जस्तगी देंगे तमाम सवालों के जवाब, आप बने रहे हमारे साथ। वेलकम बैक योर मनी में, अब देते हैं आपके सवालों के जवाब। और हमारे पहले दर्शक यहां पे कोलकाता से गुफरान अहमद जुड़ रहे हैं, नमस्कार गुफरान, आपका सवाल बताएं। जी नमस्कार मैडम, मैं एक विजुअली इम्पेयर हूं और मैं एसबीआई में अभी एट प्रेजेंटली काम करता हूं। ठीक है। तो मैम मेरा तो आपने मेल पढ़ाई होगा उसमें मेरा एक एसआईपी का मेंशन है और मैं एनपीएस में भी आता हूं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है मैम कि
अगर मैं SIP करता हूँ किया हूँ, अभी मेरा जो है SBI में एकदम बैलेंस फंड में है जी, ठीक है फंड ठीक है, और नहीं तो फिर और किस पे जाना चाहिए और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? गुफरान जी, आपने यहाँ पे रिटायरमेंट के मकसद से ये निवेश की रणनीति अपनाई है, जानना चाहती हूँ रिटायरमेंट में आपका कॉर्पस आपने कुछ डिफाइन किया हुआ है, कोई खास लक्ष्य जिसको आप अचीव करना चाहते हैं? ठीक है, आपकी उम्र अभी फिलहाल 31 साल की है। जो इन्होंने कंसिडर किया है हेमंत जी, NPS एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस ऑप्शन आपको कैसे लगता है? यहाँ पे हम सब जानते हैं कि NPS आप शामिल कर सकते हैं अगर आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो, लेकिन गुफरान के केस में और खासतौर से उन्होंने Tier 1 में निवेश किया है, इसके बारे में आप कुछ समझाएं दर्शकों को। देखिए कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, NPS जो है एक वन ऑफ द ऑप्शंस है अगर आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं। इसमें बेसिकली आपको तीन ऑप्शन मिलती हैं, एक तो आप इक्विटी ऑप्शन रहती है, एक कॉर्पोरेट डेट की, और तीसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। इसमें सिर्फ एक ही इशू है कि जो इक्विटी में जो पैसा आप लगा सकते हैं उसमें मैक्सिमम 50% आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो अगर आप यंग हैं और आप चाहते हैं कि पोर्टफोलियो थोड़ा सा एग्रेसिव रहे, और स्पेशली क्योंकि जैसे इनके केस में अगर 31 ईयर्स हैं तो इनके पास कम से कम 18-19 साल का समय है कॉर्पस बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो NPS जो है मुझे लगता है वो थोड़ी सी इसमें वो कमी है कि वो इक्विटी में आपको ज्यादा एक्सपोजर नहीं देता। इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, Tier 1 और एक Tier 2। Tier 1 जो है वो टिपिकली जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। Tier 2 जो है वो इसको सेविंग्स अकाउंट जैसे बोलते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और चाहे तो पैसा भी निकाल सकते हैं। इन्होंने ये भी पूछा है कि Tier 1 उनके पास है तो Tier 2 उनके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर उन्होंने NPS को एक ऑप्शन चुनी है अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए तो वो उसको रखें। Tier 2 की मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है। उसकी बजाय अगर ये म्यूचुअल फंड को देखें, या जैसे हमने अभी बात की जो रिटायरमेंट फंड दूसरे हैं जहां पे इक्विटी ऑप्शन थोड़ी ज्यादा मिल सकती है, उसका और NPS का कॉम्बिनेशन लेके चलें तो मुझे लगता है एक तो ये कि उनका जो रिटर्न का पोटेंशियल वो बढ़ जाएगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको NPS में कई बार नहीं मिलती है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि NPS में एक और ड्रॉबैक ये है कि आपको कंपलसरी 40% जो मेच्योरिटी अमाउंट है उसके ऊपर एन्युटी लेनी पड़ती है। तो अगर आप चाहें कि अपनी इनकम जनरेशन को किस तरीके से बढ़ा पाएं तो वो नहीं कर पाते। दूसरी एक इशू वहां पर यह भी है कि जो 40% जो आप एन्युटी लेते हैं सिर्फ वही टैक्स फ्री है, बाकी जो आप पैसा निकालते हैं वो टैक्सेबल है उस समय पे, तो वो EET के अंदर आता है। तो आई थिंक मुझे लगता है जैसे कि Tier 2 तो डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि वो होना चाहिए। Tier 1 में भी अगर आप खोलें तो कुछ पैसा आप रिटायरमेंट का आप चाहें तो वहां डाल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि पूरा पैसा आपको वहां पे डालना चाहिए। यानी NPS एज अ सोल रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट आपके पोर्टफोलियो में नहीं रह सकता, उसके अलावा भी अगर आप कहीं और निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे SBI मैग्नम बैलेंस फंड में भी निवेश की रणनीति बनाई है, शुरू किया है निवेश करना, ये फंड कैसा है? देखिए बैलेंस फंड कैटेगरी में अगर हम देखें तो जो टॉप 5 फंड रहेंगे उनमें से SBI बैलेंस फंड रहता है। फंड अच्छा है, बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करने का स्ट्रेटेजी भी अच्छा है, क्योंकि आप पूरा पैसा अगर इक्विटी में नहीं डालना चाहते हैं तो आप इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन डाल दीजिए। तो फंड यहां पे जो उन्होंने चुना है वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं इनको ओवरऑल अपनी एलोकेशन देखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि अगर उसको वो इक्विटी में थोड़ा बढ़ा पाए तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए सही है। चलिए गुफरान जी, आपको सलाह यही दी जा रही है कि इक्विटी में अपना अगर निवेश बढ़ाएंगे तो आपके लिए उतना बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि रिटायरमेंट का आपका गोल है तो थोड़ा सा अपना गोल निर्धारित भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वेग प्लानिंग से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपने निवेश की शुरुआत तो कर ली है लेकिन आपको कितने सालों के बाद कितनी रकम की जरूरत होगी, अगर इसके मुताबिक आप निवेश करेंगे तो शायद आपका गोल अचीव करने में आपको आसानी होगी, आपकी प्लानिंग भी यहां पर बेहतर हो पाएगी। उम्मीद करते हैं कि फिलहाल आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। और इसी के साथ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब देंगे, बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं, लेते हैं चंडीगढ़ से वरुण शर्मा का सवाल। नमस्कार वरुण, अपना सवाल बताएं। हाँ जी मैम, मैं वरुण चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। एंड एक जो 26 है ना, एंड जस्ट वॉन्टेड टू आस्क, मैंने अपना SIP शुरू किया है लास्ट ईयर से, तो अकॉर्डिंग टू माई गोल्स जो मैंने आपको भेजे हैं, ईमेल मिल गई थी आपको मैम, तो उसके अकॉर्डिंग पूछना था कि विल आई बी एबल टू अचीव द SIP जो मैं अभी लगा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, ये ICICI प्रूडेंशियल डायनेमिक ब्लू चिप फंड में है मेरा 10,000 की SIP, ठीक है, और मेरी बिरला सनलाइफ में जाती है, ओके, एंड एक मेरी HSBC के उसमें इन्वेस्टेड है, दैट इज द SIP ऑफ 15,000 मंथ।
ठीक है, बताते हैं वरुण आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हेमंत जी, आप भी जैसे कि हम चर्चा ही कर रहे थे, वरुण की उम्र कम है और उन्होंने सबसे पहले रिटायरमेंट का गोल अपने लिए रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है वरुण। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आप 45 तक रिटायर भी होना चाहते हैं, ये कई लोगों के लिए एक सपना है। और वरुण, मेरे ख्याल से अगर इतनी जल्दी निवेश की शुरुआत करते हैं तो इसे अचीव भी कर पाएंगे शायद। बिल्कुल, आई थिंक कविता, इन्होंने दो तीन चीजें अच्छी की हैं। एक तो बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया, जो हमेशा कहते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। 19 साल में, 26 में शुरू करें, 19 साल का समय और 45 में चाहें तो रिटायर हो सकते हैं। दूसरा, जो एसेट क्लास जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी उसमें कर रहे हैं। तीसरा, जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना, ताकि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है उससे ना घबराते हुए बल्कि आप उसका फायदा उठाते हुए इन्वेस्ट करें, वो भी वो कर रहे हैं। आई थिंक ओवरऑल जो होना चाहिए स्ट्रैटेजी, जिस वजह से करनी चाहिए, उन्होंने की है। बिल्कुल, इनका गोल है 10 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए। यहाँ पे 19 साल के लिए मैं 12% का अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूं तो इनको एक्चुअली 1,25,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे 10 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए। क्योंकि यंग है, आगे जाके जैसे इनकी इनकम बढ़ेगी तो मुझे लगता नहीं कि 25-30,000 रुपये बढ़ाना इनके लिए कोई प्रॉब्लम होगी। अगर वो नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन इनके पास ये है, 2 साल से अगर अपनी रिटायरमेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं तो भी इनको कॉर्पस मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इनको अपना जो ड्रीम है अर्ली रिटायर होने का, उसको पूरा करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। और जो फंड इन्होंने कहे अपने पोर्टफोलियो में, वो कैसे हैं? देखिए, फंड अच्छे हैं, उन्होंने एक ही फंड का नाम लिया था, ऐसे ऐसे डायनेमिक, बाकी उन्होंने कहा बिड़ला के फंड है तो फंड का नाम उन्होंने नहीं बताया। हाँ। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप फंड को अपने मॉनिटर करते रहे, सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा वरुण, कि आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास होनी चाहिए, फंड से नहीं। अपने फंड्स को मॉनिटर करते रहिए, और अगर आपके फंड, ऐसा नहीं कि आप टॉप परफॉर्मिंग फंड में रहेंगे, ऐसे फंड में रहें जो कंसिस्टेंटली अबव एवरेज या पीयर ग्रुप से एवरेज से अच्छा अगर परफॉर्म कर रहे हैं, उन फंड में रहिए, डेफिनेटली अपना कॉर्पस आप पूरा कर पाएंगे। चलिए वरुण, यहाँ पे कंग्रेचुलेशन। एक्चुअली आपने जो निवेश की रणनीति अपनाई है अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, वो कई दर्शकों के लिए यहाँ पर उदाहरण है। तो अपना सवाल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हेमंत ने बताया, आपको 25,000 रुपये से अपने निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। अभी नहीं बढ़ा सकते तो आगे चल के बढ़ाइएगा, और अगर आप फिलहाल बढ़ाने की स्थिति में नहीं है तो अपना गोल 2 साल और पोस्टपोन कर दीजिए, यानी 45 की बजाय आप 47 में रिटायर हो जाइए, ये आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि योर मनी से आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आशो पे आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। और साथ ही योर मनी के फेसबुक के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम अपने पुराने एपिसोड भी अपलोड करते हैं। नमस्कार।